तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियन ने अपने इमेजिनेशन का यूज करके यांग के साथ में फाइट करने की कल्पना की थी, और अब हाउसियन को पता चल जाता है कि वो यांग का सामना नहीं कर सकता है। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि हान के साथ में फाइट करने की वजह से वो लेवल 5 के पीक पर पहुंच चुका था, और अब उसे सिर्फ एक स्टेज को ब्रेक करने की जरूरत है। और ये सभी लिन के मेडिसिन की वजह से हुआ होता है, क्योंकि उसके पिल की वजह से हाउसियन की कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिकल टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिन और एक लड़की के बीच में मैच होने वाला होता है। इसके बाद हम यहां के कुछ बंदों को देखते हैं जो कि उस लड़की के फायर क्रिस्टल को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि ये फायर क्रिस्टल अपने यूजर की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, और कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा लकी है क्योंकि इसका फायर क्रिस्टल काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि बड़े ही स्टाइल में बैटल ग्राउंड में एंटर करता है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि इस लड़की के फायर क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसके बाद वो भी अपने पोर्टल को ओपन करके अपने फायर क्रिस्टल को बाहर निकालने लगता है। लेकिन लिन को अपने फायर क्रिस्टल को निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने फायर क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। अब लिन के फायर क्रिस्टल को देखकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिन का फायर क्रिस्टल काफी ज्यादा बड़ा था। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि लिन के फायर क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और अपने क्रिस्टल को लिन के क्रिस्टल के साथ में कंपेयर करने लगती है। लेकिन अब लिन के हरकत को देखकर रेफरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसके बाद वो इन दोनों के बीच के मैच को स्टार्ट कर देता है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास हो गई होती है। अब ये देखकर लिन उसके पास में जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में एक डील करोगी। इसके बाद वो लड़की से कहता है कि अगर तुम मेरे फायर का कॉपी कर देती हो तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अब इस बात को सुनकर वो लड़की इसके लिए रेडी हो जाती है। तभी लिन अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक पेपर प्लेन बनाता है। अब ये देखकर वो लड़की कहती है कि इसको कॉपी करना तो बहुत ही आसान है। तभी लिन अपने पेपर प्लेन को एक फायर फिनिक्स में बदल देता है, जिसको देखकर वो लड़की कहने लगती है कि लगता है कि मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगी। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर का यूज करके पियानो बजाने लगता है, और अपने पावर का यूज करके उस लड़की को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना देता है। अब इस चीज को देखकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इस चीज की वजह से खुद मैनिपुलेट हो गई होती है, और उसे भी ये सब चीजें रियल लग रही होती है। अब इन सभी चीजों को देखकर उस लड़की को समझ में आ जाता है कि वो इसके सामने नहीं टिक पाएगी, और इसके बाद वो अपनी हार मान लेती है। अब ये देखकर रेफरी लिन को विनर अनाउंस कर देता है, लेकिन अब इस बात की वजह से एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वहीं हम दूसरी तरफ कार को देखते हैं जो कि पहले से ही हाउसियन का इंतजार कर रही होती है। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि कार के साथ में एक गार्डन में घूमने जाता है, और वो लेट आने के लिए कार को सॉरी बोलता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हाउसियन कार को बारिश से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम कार को देखते हैं जो कि बारिश में भीगने लगती है। अब इस चीज को देखकर हाउसियन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। इसके बाद वो दोनों आराम करने के लिए एक जगह पर आते हैं। तभी एक फायरफ्लाइज कार के कंधे पर बैठ जाता है। अब इस चीज को देखकर हाउसियन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान वो कार के काफी ज्यादा नजदीक चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी कार उसे कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि उस फायरफ्लाइज को पकड़ लेता है, और इसके बाद वो उस फायरफ्लाइज को कार को देते हुए कहता है कि मैं फायरफ्लाइज की तरह तुम्हें हमेशा ही रास्ता दिखाऊंगा। इस पर कार कहती है कि क्या तुम मुझे हमेशा के लिए गले लगाने के लिए रेडी हो। इस पर हाउसियन हाँ कहता है। इसके बाद हम कार के गार्ड को देखते हैं जो कि कार पर नजर बनाए हुए थे, और वो हाउसियन को कार के साथ में देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउसियन अपने कमरे में आता है। तभी उसे ये हुआ दिखाई देते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहा था। अब हाउसियन को देखकर ये हुआ कहता है कि तुम बड़े हो गए हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। इस पर हाउसियन ये हुआ से कहता है कि आपने किताब को उल्टा पकड़ा हुआ है। इसके बाद ये हुआ कल के रैंकिंग मैच के बारे में हाउसियन को बताता है और कहता है कि कल हर एक टेम्पल से 10 वॉरियर को चुना जाएगा। इसके बाद ये हुआ कहता है कि हर एक हॉल रिवॉर्ड के रूप में एक हाई क्वालिटी का रिवॉर्ड तैयार किया है। इसके बाद वो हाउसियन से इन सभी चीजों पर ध्यान देने से मना करते हैं और अपने फाइट पर ध्यान देने को कहते हैं। अब इस पर हाउसियन ये हुआ से पूछता है कि क्या आप लेवल 5 को ब्रेक करने में मेरी मदद करेंगे। इसके बाद हम अगले सीन में एल्डर को देखते हैं जिन्होंने रैंकिंग मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पहला मैच हाउसियन और यांग के बीच में होने वाला था। इसके बाद
हम हाउसियन और यांग को बैटल अरीना में आता हुआ देखते हैं। अब इन दोनों के बीच के फाइट को देखने के लिए यहाँ के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं जो कि दूसरे एल्डर से कहते हैं कि आज का यह मैच वॉरियर टेम्पल के दो सबसे पावरफुल वॉरियर के बीच में होने वाला है। इस पर हेड एल्डर कहते हैं कि ये दोनों दो ताकतवर वॉरियर के रूप में नहीं बल्कि दो सबसे पावरफुल सील डिवाइन वॉरियर के रूप में फाइट करने वाले हैं। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि अपने आर्मर को समन कर लेता है। इसके बाद हम यांग को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। अब ये देखकर हाउसियन भी अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।